कोरोना वायरस के चलते सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस बीच धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाएगा। इसके तहत 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल भी खोले जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में धार्मिक स्थलों भी शर्तों के साथ खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को भी खोला जाएगा, लेकिन ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इस लॉकडाउन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे देश में आने जाने की पाबंदी हटा दी गई है। देश भर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की ज़रूरत भी नहीं होगी। हालांकि लॉकडाउन 5 में कई तरह की पाबंदियां भी रखी गई है। इसके तहत देश भर में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम पर पाबंदी रहेगी। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग। दुकानों पर भी सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान खरीद सकते हैं। लॉकडाउन 3 चरणों में होगा, ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन। लेकिन अब इस कैटेगरी में अब सिर्फ एक ही जोन होगा और वो होगा कंटेनमेंट जोन। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।